कार्यालय के नीचे भाजपा के ही मंडल अध्यक्ष के खिलाफ गरीब परिवार ने मौन प्रदर्शन किया। आरोप है कि गरीबों की पुश्तैनी जमीन पर भाजपा के लवकुश मंडल अध्यक्ष अनिल तिवारी ने कब्जा कर लिया है। पीड़ित परिवार दर बदर भटकने के बाद नगर अध्यक्ष और संगठन मंत्री को मंडल अध्यक्ष की करतूतों की शिकायत करने आए थे। बड़ी संख्या में महिलाएं बच्चों के साथ पीड़ित परिवार के लोग तख्ती लेकर खड़े रहे। भूमाफियाओं के खिलाफ भले ही पुलिस ने मुहिम चला रखी हो, लेकिन अपने रसूख के चलते वे अब भी गरीबों पर जुल्म कर रहे हैं। ताजा मामला बाणगंगा थाना क्षेत्र के सुंदर नगर का है, जहां विशाल कश्यप के परिवार की पुश्तैनी जमीन पर भाजपा मंडल अध्यक्ष अनिल तिवारी और अन्य ने कब्जा किया। इसको लेकर विवाद भी हुआ और मामला थाने तक पहुंचा, लेकिन परिवार को न्याय नहीं मिल पाया। न्याय की आस में परिवार भटक रहा है। भाजपा नेता ने परेशान कर दिया, इसलिए परिवार के लोग भाजपा कार्यालय के नीचे तख्तियां लेकर खड़े हो गए, जिन पर लिखा था कि गुंडे मंडल अध्यक्ष से हमें बचाओ। पीड़ित कश्यप परिवार के लोगों का कहना था कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसे लोग ही बदनाम करते हैं, अपने पद का दुरुपयोग करके मंडल अध्यक्ष जमीनों पर कब्जा कर रहा है। महिलाओं के साथ भी मंडल अध्यक्ष के परिवार वालों ने मारपीट की। हम गरीब लोग हैं, हमारी पुश्तैनी जमीन है, ये काम करते हैं हम। अच्छा, क्या करने आए हैं? ये मंडल अध्यक्ष अनिल तिवारी की शिकायत करने आए हैं, नगर अध्यक्ष को यहाँ खोलना है। अच्छा, क्या करने क्यों क्या क्या हुआ? हमारी जमीन पे अपना भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष हमारी जमीन पे कब्जा कर रहा है। अच्छा, कब्जा कर रहे हैं अनिल तिवारी नेता हमारी जमीनों पे कब्जा कर रहा है खुद की, और हम उसको बोलने गए कि थोड़े दिन 10 दिन तक रुक जा, 10 दिन के बाद में हमारा निपटारा हो जाएगा, तो तेरी है तो तू ले लेना और हमारी है कि तो हम ले लेंगे। तो वो बोलने गए तो झुमा झटकी में उसने मेरे भाई उनको मारा, मैं बचाने गई तो मुझे भी एक ईंट मारी। अभी हम ये बोलने आए कि हमारी सुनवाई होए।